स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। और आज हम देख रहे हैं न्यू लर्न वेल SST क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर विद PDF आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहला लेटेस्ट प्रैक्टिस के जो पहला क्वेश्चन है MCQs हैं। MCQs में जो पहला हमारा क्वेश्चन है तो वो हम देखते हैं, द अर्ली मेडिवल पीरियड इन इंडियन सॉ द इमरजेंस ऑफ रिलीजन किंगडम इन द साउथ दे वर। ठीक है, मतलब अर्ली मेडिवल पीरियड का तो साउथ वाला जो किंगडम है उनमें से यहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं, तो पहला है चोल, ये तो बिल्कुल था, साउथ में चोल्स थे। ठीक है, राजपूत बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि राजपूत तो राजस्थान में होते हैं। ठीक है, और राजकूट भी थे, यानी कि ए और सी इसका आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर इज डी, ए एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द अर्ली मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्ट्रेस्ड फ्रॉम। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का अर्ली मेडिवल जो पीरियड है वो उसका टाइमिंग है 700 टू 1200 CE का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ कॉइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक, तो राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, कॉइंस की स्टडी क्या होती है, न्यूमिस्मैटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रॉय विजिटेड ऑफ कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में संत थॉमस रॉय, सर जो थॉमस रॉय थे उन्होंने विजिट किया था, तो राइट आंसर है मुगल सम्राट जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुरिनी वाज ए ट्रैवलर। ठीक है, अलबुरिनी जो था वो किस टाइप का ट्रैवलर था, मतलब कौन से देश का था, तो चाइनीज नहीं था, तुर्कीज नहीं था, यानी कि अलबुरिनी जो था वो पर्शियन था। ठीक है, पर्शियन था। अगला जो क्वेश्चन है बी वाला वो है आपका ट्रू फॉल्स, तो चलो हम देख देते हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेस्टिस वर लॉन्ग पोएम रिटन ऑन द प्राइज ऑफ किंग्स। ठीक है, प्रशस्ति जो एक लॉन्ग टर्म थी वो किस राजा वो राजा के प्राइस में लिखी जाती थी, तो बिल्कुल सही है। अगला है, द स्टडी ऑफ कॉइंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, तो बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि स्टडी ऑफ कॉइन नोमिस्मैटिक होता है। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक बाज पर्शियन ट्रैवलर, बिल्कुल सही है, अब्दुल रज्जाक है, अलबुरिनी है, सब पर्शियन ट्रैवलर थे। निकोलो डी कॉन्टी विजिटेड बहमनी किंगडम, बिल्कुल भी रॉन्ग है ये, क्योंकि निकोलो डी कॉन्टी थे वो विजयनगर किंगडम से रिलेटेड थे। ठीक है, हरियर एलैंड बुक का जो भाई थे उन्होंने वो विजयनगर किंगडम बनाई थी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं वेरी शॉर्ट सी वाला, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रूलर्स इन द साउथ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पीरियड के दौरान साउथ में जो रूलर्स थे अभी हमने जस्ट किया है, चोल्स पांड्या। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द मेडिवल पीरियड बिगिंस इन इंडिया, इंडिया में मेडिवल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था, तो 700 से स्टार्ट हुआ था और 1200 पे फिनिश हुआ था, यानी कि 700 से 1200 इसका पीरियड टाइम था। When did the medieval period, ये तो हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू मुस्लिम इन्वेडर हु पेव्ड द वे ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो उन मुस्लिम इन्वेडर का नाम है मोहम्मद ऑफ गजनी एंड द मोहम्मद गोरी, जो कि गौहर के शासक थे, यानी गौहर के एम्परर थे। अगला है, नेम टू फेमस मूवमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो दो मूवमेंट हुए थे, एक तो भक्ति मूवमेंट और एक हुआ था आपका सूफी मूवमेंट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम थ्री ट्रैवलर्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन हु केम टू इंडिया इन द मेडिवल पीरियड, तो थ्री ट्रैवलर्स के आपके नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो मेडिवल जो पीरियड है उसके जो ट्रैवलर्स थे उनमें पहला हम देखते हैं थॉमस रो। ठीक है,
जो कि मैंने अभी बताया था आपको, मुगल सम्राट जहांगीर के टाइम पे आया था। और थॉमस रो एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे, ठीक है। अगला जो है वो है आपका अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी भी एक मेडिवल पीरियड का टेबलेट था जो कि मोहम्मद गजनी के टाइम पे इंडिया आया था, और ये 11th सेंचुरी में इंडिया में आया था, ठीक है। और इन्होंने कुछ फेमस वर्क किए थे, ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पर इन्होंने राइट किया था बुक्स, जिनका नाम है तहक़ीक-ए-हिंद, एक तो एक बुक्स थी, ठीक है। इसमें इन्होंने उस टाइम के इंडियन सिविलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अगले जो टैबलेट्स थे वो है निकोलो डी कॉन्टी, जो कि वियतनाम के रहने वाले थे, और इन्होंने कॉम्प्रेहेंसिव अकाउंट्स ऑफ किंगडम ऑफ द विजयनगर, यानी कि विजयनगर के किंगडम के बारे में लिखा था, ठीक है। तो ये तीन टैबलेट्स थे। अब हम देखते हैं शॉर्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ विच आवर कंट्री वाज नोन, यानी हमारी कंट्री को और किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो, हमारी कंट्री को उस टाइम भारत, और एक तो नेम है भारत है, हिंदुस्तान है, और इंडिया है, इन नामों से पहले भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच जियोग्राफिकल फीचर इन द नॉर्थ इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ का जियोग्राफिकल फीचर्स इंडिया की हिस्ट्री को किस प्रकार अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला देखो, द ग्रेट हिमालय जो कि नॉर्थ में है और एक्टेड एज ए बैरियर, ग्रेट हिमालय एक तरह से बैरियर के रूप में फॉर्म में काम करता है, ठीक है, टू द फॉरेनर इन्वेडर, यानी फॉरेनर इन्वेडर के लिए, क्योंकि उससे उन्हें पार करना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, माउंटेन्स पासिस ऑफ द कुबेर एंड द बोलन अलाउड ट्रेवल्स टू एस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विद द देयर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड रीजन है वो है नॉर्थन जो प्लेन होते हैं, नॉर्थन प्लेन यानी गंगा रिवर के, यमुना रिवर के जो प्लेन होते हैं, ठीक है। मैनी अदर्स काफ़ी और भी रिवर्स हैं, ठीक है, तो वो मेड ऑफ रीजन वेरी फर्टाइल, वो जो प्लेन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एंड द सेंटर ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन, और वो एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक तरह से सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ की भूमि फर्टाइल है तो वहाँ पर भी पैदावार यानी कि एग्रीकल्चर का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ आर कॉइन्स यूजफुल इन गिविंग अस इन्फॉर्मेटिव अबाउट द मेडिवल पीरियड्स, यानी कॉइन्स किस प्रकार मेडिवल पीरियड में इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल थे। तो देखो, कॉइन्स आर यूजफुल इन द गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबाउट मेडिवल पीरियड बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दे हेल्प इन द नोन टू नेम्स ऑफ द रूलर्स हु इश्यूड द कॉइन्स, यानी कि कॉइन से हमें ये पता चलता है कि ये कॉइन किस रूलर ने इशू किया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि कॉइन्स के ऊपर डेट लिखी रहती है, ठीक है, और उस डेट से हमें ये जानने में हेल्प मिलती है, हिस्ट्री को जानने में हेल्प मिलती है कि ये जो डेट है किस पीरियड से है और कब की है, यानी कि उसके इवेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर यहाँ ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टाइप के आंसर की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन डिटेल्स। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं काफ़ी टाइप के होते हैं ना भाई, सोर्सेज हमारे एक तो आर्कियोलॉजिकल होते हैं तो काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे पहला है इपिग्राफी, ठीक है। इपिग्राफी यानी कि इनस्क्रिप्शन, इपिग्राफी में आता है इनस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये भी एक सोर्सेज है, इनसे भी हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, हिस्ट्री का हमें इनसे पता लगता है, जैसे अशोक का इनस्क्रिप्शन था, ठीक है, उससे अशोक के बारे में जानने को मिला। ऐसे कई ऐसे रूलर्स हैं जिनके इनस्क्रिप्शन से हमें उनकी जानकारी मिलती है। सेकेंड है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक अभी मैंने बताया था, द स्टडी ऑफ कॉइन्स दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक, एंड कॉइन्स के द्वारा भी हम उस टाइम की हिस्ट्री को, रूलर्स के टाइम को हम जान सकते हैं, तो ये भी एक सोर्सेज हैं। सेकेंड है बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स एंड, ठीक है, यानी बिल्डिंग वगैरह मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी एक तरह से हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हम हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट, आर्ट आर्टिस्ट
आर्टिस्टिक एविडेंस, ठीक है, कुछ आर्टिस्टिक एविडेंस होते हैं जैसे पेंटिंग्स वगैरह है, या फिर कुछ पिलर्स वगैरह हैं, या फिर कुछ आर्ट होता है, कला होती है जो कि किसी पर्टिकुलर किंगडम से या फिर रूलर से संबंधित होती है, उस तो उससे भी हम जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूमिस्मैटिक के बारे में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग का क्वेश्चन है वो है, हाउ आर द इंडिजीनियस लिटरेसी सोर्सेज हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री इन ऑफ द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो देखो, कुछ जो लिटरेसी सोर्सेज थे वो हेल्पफुल थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। जैसे पहला है, इंडोजीनियस सोर्सेज वर क्रिएटेड। इसका रीजन है देखो कि जो इंडियन इंडोजीनियस सोर्सेज होते हैं बाद क्रिएटेड विद इन द कंट्रीज विच चीपली इंक्लूडेड। देखो, जैसे मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है, एंड क्रॉनिकल्स है, ठीक है, ये जो सोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मनुस्क्रिप्ट वर वेरी मैनली रिटेन एज ऑन पाम लीव्स। मनुस्क्रिप्ट जो होती थी वो पाम लीव्स पे या ब्रिज लीव्स पे एंड लेदर पे या फिर कुछ क्लॉथ इन पे राइट की जाती थी मनुस्क्रिप्ट पेपर पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि दे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द, ठीक है, प्रोसीडिंग एट किंग्स कोर्ट, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ द किंग्स कोर्ट, किंग्स के कोर्ट में क्या क्या होता था उन सब का रिकॉर्ड इन चीज़ों में होता था। थर्ड पॉइंट है कि दे मोस्टली कन्वर्ट टू लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स, यानी कि इन सोर्सेज में रूलर्स के लाइफ स्टाइल को लिखा जाता था एंड वहाँ के उनकी फैमिलीज के बारे में, रूलर्स ने कितने वॉर्स किए थे उसके बारे में एंड कितने बॉर्न किए थे, कितने हारे थे, ठीक है, वहाँ का सिविलाइजेशन सब कुछ एक तरह से इन सोर्सेज के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और ऐसा उनमें होता है। और नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका कि मॉन्यूमेंट्स आर यूजफुल टू सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द अबाउट मेडिवल इंडियन डिस्क्राइब। ठीक है, कि मॉन्यूमेंट्स जो है एज ए सोर्सेज हम किस प्रकार इसको देख सकते हैं, तो बिल्कुल देखो मॉन्यूमेंट से ही पता चलता है कि ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं किस राजा के टाइम का है, किन्होंने बनवाया था, जैसे दिल्ली का लाल किला है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल को देख के आज हम शाहजहाँ को पढ़ते हैं, शाहजहाँ को बारे में जानते हैं, शाहजहाँ को समझते हैं, यानी कि मॉन्यूमेंट्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं टू नो हिस्ट्री, टू नो अबाउट द हिस्ट्री। चलो पढ़ते हैं, देखो, मॉन्यूमेंट्स एंड द स्कल्पचर आर यूजफुल टू सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट मेडिवल इंडियन टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ दे नॉट ओनली द टेलस अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि ये सब रिलीजियस धार्मिक भावना से, मतलब धार्मिक तरीके से ही नहीं, मतलब इनके बारे में हम ऑनली इनके बारे में नहीं जानते, बट ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, उस टाइम के समाज की क्या कंडीशन थी वो भी हमें जानने को मिलती है, एंड द इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखा गया है कि जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें आर्किटेक्चर का एक अनूठा संयोग है बिकॉज ऑफ अलग अलग इन्वेडर आए थे, ठीक है, वहाँ की संस्कृति का भी यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है, एंड ऑन रूलर्स का इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल स्टेटस कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में हम के इन मॉन्यूमेंट्स सोर्सेज से जानकारी मिलती है। एंड सम ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द आर द रेड फोर्ट है, जो कि मुस्लिम इन्वेडर ने बनाया था एंड दिल्ली में है, फिर ताजमहल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं उस टाइम के लिए। तो इस तरह से आपके ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, और अगर आपको आगे के चैप्टर्स इस चैनल पर देखना पसंद है, वैसे तो ये चैनल मेरा ओनली साइंस के लिए है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, ठीक है, कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो फिर मैं आगे इस चैनल पे आपके और वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, आपके आपके
क्या विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।